छोटी सी चीज है, लेकिन इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि बंदे क्या करते हैं कि हर बारी फ्लश डाल देते हैं जब भी सर्विस करते हैं। वाली वीडियो बेसिकली होने वाली है आप अपनी बाइक की जो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। मैंने स्कूटी में भी ये चीज कर रखी है, मैं बाइक में भी कर रहा हूँ, धीरे धीरे मेरे को पता चल रहा है। प्रॉब्लम आर इसमें यही निकल कर आती है कि इसमें वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है। ये जो तीन चीजें मैंने ली है इसका मेरे को बजाज से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। देखना, पहले मैं ऐसे ही करता था। मेरे को सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे आप सभी लोग हुक करते हैं? आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे। आज की दिन की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से और गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है जम्मू में। तो आज की वीडियो का टॉपिक आपने देख लिया होगा टाइटल और थंबनेल से। तो आज हम बाइक का थोड़ा बहुत एक्सेसरी लेने वाले हैं, थोड़ा बहुत इंजन ऑयल लेने वाले हैं। तो इंजन ऑयल को देख के आपको पता चल गया होगा कि हमारे भाई की सर्विस आ चुकी है। पता भी नहीं चलता यार, एक साल पूरा हो गया। मैं तो कह रहा हूँ ये पहले सर्विस करानी थी मुझे, लेकिन ये ओवरड्यू हो गई है बिकॉज ऑफ माई एग्जाम्स। तो एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं तो अब इसकी सर्विस कराएंगे। आज सबसे पहले चलते हैं घुमट, थोड़ा बहुत इंजन ऑयल ढूंढते हैं। ऑनलाइन में देख रहा था लेकिन ऑनलाइन में ना टाइम लग जाता है, तो घुमट चलते हैं वहाँ से लेते हैं। सोच रहा हूँ कि 20W50 मैंने पिछली बार डलाया था, इस बार 10W50 डलाऊं, लेकिन देखेंगे यार कौन सा सही रहेगा। मेरे को तो 20W50 ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ना एकदम परफेक्ट है, अपने हाईवेज गर्मियों में सर्दियों में एकदम प्रॉपर कॉम्बिनेशन है। देखते हैं जो अच्छा लगेगा वो वाला ले लेंगे। और उसके बाद मेरे को फ्लश लेना है, ऑयल एडिटिव लेने हैं, कुछ और थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। मैं घुमट में आ चुका हूँ तो इंजन ऑयल मैंने ले लिया है। तो एक बात मेरे को बड़ी सही लगी मोटर की यार, पहले दिखाता हूँ ये कुछ इतने का पड़ा मेरे। और यहाँ पे चेकआउट करो, पहले ना 1.5 आता था तो हमें ना 300-200 ml ना वेस्ट हो जाता था, तो अब 1.25 कर दिया तो इतना ही अपनी बाइक में भी लगता है। DW50 ले लिया क्योंकि मेरे को ना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसका भी। तो अभी बाकी मेरे को ऑयल एडिटिव चाहिए और इंजन ऑयल फ्लश चाहिए, तो देखता हूँ मिलता है कहीं तो, वरना कंपनी से डला लूँगा। चीज़ ना अलग अलग दुकान से लेनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे देखो ये कुछ इंजन ऑयल फ्लश है, ये तो कोई लोकल है, मेरे को पता नहीं हाँ कैस्ट्रॉल का है। और जो मेरे को मेन चीज़ चाहिए थी ना, ये मैं बड़े टाइम से ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं होता आसानी से, ये जो MOS2 का शूटर है, ये लिक्विड मॉली का आता है, बड़ा महंगा यार, मतलब मान सकते हो ये छोटी सी ट्यूब ना 250 रुपये की है। करना पड़ता है यार क्योंकि बाइक ना मेरे को एक नंबर चाहिए, मेरे को बाइक में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं चाहिए। A few minutes later. यहाँ पे चेकआउट करो यार, पूरा नेक्स्ट डे आज। कल मैं वीडियो शूट कर रहा था, कल ना इतनी ज्यादा गर्मी हुई मेरे को ना मन ही नहीं किया वीडियो बनाने का। तो अभी मैं आया हूँ शाम के टाइम, वो भी इधर जंगल में, मानोगे जंगल में आया हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है यार, बाहर निकलना ही नहीं होता यार। मेरी आज सर्विस थी, आज मैंने मतलब कल रात को मैंने निकल सर्विस सेंटर में कॉल किया था तो उन्होंने कहा था मॉर्निंग में आ जाना, आपकी सर्विस हम जल्दी से कर देंगे। तो वह गर्मी इतनी हुई ना, मेरा मन ही नहीं किया सो उठने का यार। मैं तैयार भी हो रहा था, बाहर निकला मतलब 9 बजे लग रहा था, ऐसी दोपहर हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो अभी के टाइम पर मैं आया हूँ, मेरे को लगा पहले तो मैं ये वाली क्लिप जो अभी तक मैंने बनाई वो ऐड करने वाला था सर्विस वाली डे वाली वीडियो के साथ, लेकिन अब मैंने सोचा कि इस वीडियो को एंड करते हैं, आपको थोड़ा बहुत बताते हैं बाइक के बारे में एंड उसके बाद वो वाली वीडियो हम अलग से बना लेंगे। क्योंकि अभी मेरा सर्विस कराने का बिल्कुल इरादा नहीं रहा, मैंने सामान वगैरह ले लिया, सामान का मेन चक्कर रहता है क्योंकि सामान ना मुश्किल से बिल्कुल मिलता है। क्योंकि मैंने जो शूटर लिया था ना वो इतना ज्यादा मुश्किल से मिलता है, मतलब पूरे घुमट का मैंने चक्कर लगाया तब जाके मेरे को वो शूटर मिला। अभी मेरे साथ ही है लेकिन जो है शूटर का मेन चक्कर रहता है, ऑनलाइन भी वो बड़ी मुश्किल से मिलता है तो वो मैंने ले लिया था। बाकी इधर पे बाइक का लुक चेकआउट करो, देखो मैं बताता हूँ प्रॉब्लम हो क्या रही है। ये देखो आवाज कर रही है और ये दो चीजें, ये देखना, मैं इसीलिए इधर जंगल में आया हूँ क्योंकि बाहर आपको ये बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी, एकदम माइनर है। यहाँ पे ना शांति है इसलिए आपको ये सुनाई देगा। देखना पहले मैं ऐसे ही करता था, मेरे को लगा था कुछ नहीं है, लेकिन एक बार ही मैं घूमने के लिए निकला हुआ था और ये कट गई। ऐसे इसके साथ भी अब होने वाला है, ये एक बार भी मैंने अभी तक चेंज नहीं कराई है। चेंज तो ऐसे भी नहीं करानी चाहिए लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि ये कटने वाली है। और अगर मैं कहीं ट्रिप पे निकला, कहीं घूमने के लिए मैंने प्लान किया पत्नीटॉप वगैरह, अगर ये दोनों चीज़ें कट गई ना यार तो समझ जाओ यार रास्ते में क्या हालत होगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसकी ना रिप्लेसमेंट कर दूँ, ये भी चेंज कर दूँ और ये वाली भी चेंज कर दूँ। ये वीडियो बनाने का ये असली मकसद है नहीं, मैं आपको कुछ बातें बताऊँगा जो कि आपको सर्विस करते टाइम अपने दिमाग में रखनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ना ये गलती करते हैं कि फ्लश हर बार ही डला लेते हैं, शूटर भी हर बार ही डला लेते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको पूरा बताऊँ आपको क्या काम करना होता है। देखो ये शूटर है, बिल्कुल एक छोटी सी चीज़ है लेकिन इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि बंदे क्या करते हैं कि हर बारी फ्लश डाल देते हैं जब भी सर्विस करते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। फ्लश का जो मेन प्रॉपर चीज़ होती है वो अच्छे से क्लीनिंग करनी होती है, लेकिन वो मतलब कुछ टाइम के बाद डालना होता है। जैसे कि आप 3 सर्विस कराते हो तो 3 में से 1 सर्विस में आपको फ्लश का यूज़ करना है। जैसे कि मैंने पिछली 2 सर्विस में फ्लश का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया, अब 3री सर्विस में मैं फ्लश डालूंगा ताकि अच्छे से क्लीनिंग वगैरह हो जाए। कि ये आप रेगुलर डाल सकते हो, फ्लश का मैंने बताया फ्लश रेगुलर बेसिस पर आपको नहीं डालना है, ये आप रेगुलर बेसिस पर डालते हो क्योंकि ये अपनी विस्कोसिटी
को इंक्रीज करते हैं और अपने इंजन जो इंजन ऑयल है उसकी जो ग्रेडिंग को इंप्रूव करता है और आपकी परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करता है। तो ये वाली वीडियो बेसिकली होने वाली है आप अपनी बाइक की जो परफॉर्मेंस को इंप्रूव कैसे कर सकते हो। मैंने स्कूटी में भी ये चीज़ कर रखी है, मैं बाइक में भी कर रहा हूँ। धीरे धीरे मेरे को पता चल रहा है कि मोटूल ना बहुत अच्छा इंजन ऑयल है, क्योंकि मेरे को अभी तक 5 से 6 हज़ार किलोमीटर मैंने चलाई मोटूल डलाने के बाद, अभी तक मेरे को लग रहा है कि अभी तक नीड नहीं है चेंज कराने की, इतना ज़्यादा स्मूथ चल रही है। मतलब आर एस से ये एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं होती कि इतनी ज़्यादा स्मूथ चलती है। ये बिल्कुल भी सॉल्व हो चुकी है, जो भी वाइब्रेशन की मेन प्रॉब्लम आर एस में यही निकल कर आती है कि इसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये वाली चीज़ मैंने सॉल्व कर ली है। इंजन के लिए आप विस्कोसिटी अपग्रेड भी कर सकते हो, जैसे पहले 20W50 है ऐसे आप 10W50 भी यूज़ कर सकते हो, उसकी विस्कोसिटी थोड़ी हाई रहती है तो वो हायर इंजन पर ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। बाकी अभी तक इसका और मेरा मतलब इसका मेरे साथ जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि हाईवे पे मैंने चला ली, मैंने पहाड़ों में भी चला ली, मैंने बिल्कुल अपना जो है सिटी में भी चला ली। तीनों कंडीशन में ये बिल्कुल प्रॉपर फिट बैठता है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब ऐसा नहीं लगता कि यार अब जो है विस्कोसिटी कम हो गई है या फिर कोई प्रॉब्लम दे रहा है, बिल्कुल प्रॉपर रहा है। इसलिए मैंने इस बार फिर से 20W50 इसमें डलाया है, क्योंकि मेरा जो है एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। बाकी अगर आपको इससे अच्छा बेटर इंजन ऑयल चाहिए तो आप लिक्विड मॉली की तरफ जा सकते हो, उसका एक पूरा पैक आता है, मतलब पूरी किट आती है, उसमें बिल्कुल सारी चीज़ें होती है, एडिटिव वगैरह हो गए सारे, ये चीज़ें आ गई। और ये जो तीन चीज़ें मैंने ली हैं इसका मेरे को बिल 1800-1900 का समथिंग पड़ा था, तो सोच सकते हो यार खर्चा करोगे तब जाके बाइक मेंटेन रहती है। ऐसे अगर फिर फालतू सा इंजन ऑयल डलाओगे, मेरे को तो बजाज से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, उसका इंजन ऑयल तो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता। पहली तीन सर्विस में किसी तरह निकाल दो, उसके बाद मोटूल यूज़ करो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने अभी तक 11-12 हज़ार बाइक चल चुकी है, अभी तक मैंने इसका फिल्टर चेंज नहीं कराया, इस बार मेरा पक्का मैंने न्यू डलाऊंगा, पुराने में मेरे को पता है बहुत गंदी हालत होने वाली। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप कि आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी बाइक के रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी बंदे पूछते हैं कि मोटूल डलाएं या लिक्विड मॉली, तो मैंने मेरे को जितना भी एक्सपीरियंस था मैंने आपको बता दिया। क्योंकि यार देखो बाइक मेंटेन होनी चाहिए ना, पैसा देखो इस चीज़ में ना पैसा बहुत लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको बजाज का इंजन ऑयल लेना है ना तो वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है, और यहाँ पे अगर आप मोटूल का लेते हो तो वो शायद 3 गुना ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि देखो बजाज का 500-600 में आ जाता है और ये वाला जो इंजन ऑयल है वो पड़ता है अराउंड, अब तो 1.25 लीटर्स का आता है तो वो पड़ता है लगभग 1200 रुपये अगर आप प्रीमियम चीज़ें डलाते हो, लेकिन उससे ना बाइक की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अपग्रेड होती है। पावर एंड परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो ये वाली वीडियो इस चीज़ को बिल्कुल रिलेट करती है। आप ऐसा नहीं बोलना कि यार क्लिक बेट है और कुछ है, कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी इसकी सर्विस जिस दिन कराएंगे पूरी प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, जितनी भी कॉस्ट आती है वो आपको पूरा बताएंगे। बाकी मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर एंड बाय गाइस। Bye.